औकात पार करना सीखो, दिखा दो कि तुम अपनी औकात पार करके वो औकात बना सकते हो कि तुम्हारी औकात नापने में लोगों के पसीने छूट जाएं। अब औकात पार कैसे करते हैं इसके 7 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे बड़ी से बड़ी लिमिट, बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तुम्हारे लिए एक मजाक बनकर रह जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊं, अगर पता करना हो ना कि सामने वाला लड़का जिंदगी में क्या करेगा, उसकी औकात क्या है, तो उसे ना एक डेयर देकर देखना और फिर उसे इतना उकसाना कि साला वो उसे करने की सोचने के बारे में मजबूर हो जाए। ऐसी कंडीशन में वो लड़का या तो कुछ नहीं करेगा या फिर औकात पार करेगा। अगर वो लड़का कुछ नहीं करता, मतलब समझ जाना इस धरती पर पैदा होना महज उसके माँ बाप के किस्मत की गलती थी, वरना कोई और वजह है ही नहीं कि वो पैदा हुआ हो। लेकिन अगर वो लड़का तुम्हारे डेयर को एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी आग में सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में बिठाता है कि उसको औकात पार करनी है, उसको बेलगाम घोड़ा बनना है और उसे किसी के नीचे दबकर नहीं रहना है, अगर उसकी ऐसी मानसिकता होती है तो दोस्त समझ लेना ऐसा लड़का सदियों में कभी कभी ही पैदा हो सकता है। तो चलो मैं उसी लड़के को ये चैलेंज देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम कितनी बार खुद को जलील होना बर्दाश्त कर लोगे, कितनी बार तकलीफ सहलोगे और जमीन पर माथा घिस लोगे, कितनी बार भीख में मिली इज्जत और आजादी को जी लोगे। मुझे लगता है शायद फर्क पड़ना ही बंद हो गया है, या तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास होना बंद हो गया है। तेरे माँ बाप क्या चाहते हैं शायद तुझे इससे फर्क पड़ना बंद हो गया है। तेरे सपने पूरे होंगे या नहीं शायद तुझे इससे फर्क पड़ना बंद हो गया है। तुझे तेरी खुशी या उदासी से फर्क पड़ना बंद हो गया है। सच कहूँ तो शायद तुझे तेरे कमजोर दिल और बुजदिल औकात से ही फर्क पड़ना बंद हो गया है। बहुत बड़ी बात कह चुका हूँ मैं, जिस दिस के दिल में चुभी होगी ना, मान लो बस यही तुम्हारी औकात है। फर्क पड़ने के अलावा ऐसा भी है कि शायद तुम सबको, एक एक को पर्सनली कह रहा हूँ, तुम सबको शायद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये जिन आंखों से आज दिन भर फोन निहारते नहीं थकते हो ना, किसी जमाने में इन्हीं आंखों से बड़े बड़े सपने बुनते थे, हवाओं में उड़ने का सपना देखते थे, फिल्मों में खुद को हीरो देखते थे, तो कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए खुद को इमेजिन करते थे, कभी एक सैनिक बनकर देश की हिफाजत करता देखते थे, तो कभी क्रिकेटर बनकर देश को जिताने का सपना देखते थे। लेकिन देखते जरूर थे, लेकिन आज यही आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं कि महंगा और हाई पावर वाला चश्मा लगाने के बावजूद ना जाने क्यों ऐसा कोई सपना दिखता ही नहीं है। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे आ चुके हैं। अगर ये मंजिल का सफर तय करते करते आते तो जिंदगी बेशक एक अलग ही मुकाम पर होती। आज यही आंखें बस फोन निहारते निहारते बूढ़ी हो रही हैं और मन की आंखें अंधी हो रही हैं। कभी किसी ने सोचा था जिन बाजुओं से कभी घर का सारा काम हो जाता था, आज उन्हीं बाजुओं से खुद का भार उठाना मुश्किल हो जाता है। कभी जिस दिमाग से बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर मिनटों में याद कर लिया करते थे, आज तो हिसाब तक ढंग से नहीं हो पा रहा है। पहले जहाँ पूरे गाँव का चक्कर लगाने के बावजूद थकते नहीं थे, आज चार सीढ़ियाँ चढ़ते ही दम फूलने लगता है। ये सब क्यों हो रहा है जानते हो? क्योंकि तुमने अपनी औकात बहुत छोटी कर रखी है। तुम ना कभी अपने एरिया के कुत्तों पर गौर करना, एक लकीर खींची होती है जिससे बाहर वो साला कभी नहीं जाएगा, और कभी भूला भटका चला गया तो ऐसे रहेगा जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन वहीं जब तक वो अपने इलाके में रहेगा तब तक खुद को शेर से कम नहीं समझेगा। लेकिन उसको तो समझ में आता है कि वो जानवर है, लेकिन तुम तो उस जानवर से भी बदतर होते जा रहे हो, जो एक इंसान होकर अपने लिए एक सीमा बनाते हो। सिद्धार्थ शुक्ला का ना मुझे एक बड़ा ही फेमस पंचलाइन याद आता है, वो है इफ यू सेट द बॉर्डर आई विल ऑलवेज रेज इट, यानी कि अगर तुम मेरे लिए कोई टारगेट रखोगे तो मैं उसे हमेशा फोड़ूंगा। मेरे लिए कोई रिकॉर्ड या कोई बॉर्डर लाइन मायने नहीं रखती है। अगर तुमसे सिर्फ 2 घंटा दिन में पढ़ा जाता है तो तुम 8 घंटे रगड़ कर दिखाओ। अगर तुम्हारे घर में कोई भी IAS IPS नहीं है तो वो पहले शख्स तुम बनकर दिखाओ। मुझे मालूम है गुस्सा, जुनून, पागलपन और बेखौफ फितरत तुम्हारे जहन में बड़ी तेजी से दौड़ रही होगी। बस इसी चिंगारी को हवा दूंगा आगे वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट्स बताकर, जिससे तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी लिमिट, बड़े से बड़ा रिकॉर्ड सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। पॉइंट नंबर 1, नेवर फियर। दुनिया की किसी भी चीज से डर नहीं लगना चाहिए। जब हालात बिगड़े तो हाथ पांव नहीं कांपने चाहिए। देखो, डरने वाले लोग कभी भी औकात पार कर ही नहीं सकते, इसलिए इतिहास के किसी भी पन्ने में आपको कभी भी एक डरपोक इंसान तो नहीं दिखेगा। अगर डरोगे तो हमेशा के लिए वहीं के वहीं रह जाओगे। डरने से जो तुम्हारी क्षमताएं हैं, जो तुम्हारा टैलेंट है, जो तुम्हारा दिल और दिमाग है, कुछ काम ही नहीं करेगा, सब वहीं का वहीं थमा रहेगा। डरने से तो काम नहीं चलने वाला, तो सबसे पहली चीज, अपने डर के एक एक कतरे को अपने दिमाग से निकाल दो। जब तक डर का एक एक कण भी तुम्हारे अंदर मौजूद रहेगा, तुम्हें हर बार 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 वो एक कदम लेने से रोकेगा, इसलिए डर को पहले खत्म करो। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव डिजायर्स कैन बर्न योर ड्रीम्स। एक चीज मैंने बहुत बार बहुत से लोगों में देखी है और वो है गलत सोच, गलत इच्छाएं और गलत संगत, जो कि तुम्हारे सपनों को जलाकर खाक कर देती हैं। जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, उसका मतलब एकदम गौर से समझना। कहने का सीधा सा मतलब है, एक नेगेटिव ख्याल भी अगर तुम्हारे दिमाग में आया ना कि अरे यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा या ये कैसे करूंगा, बस ऐसा जरा सा ख्याल आने की देर है, अगर इतना भी आ गया ना
तो समझ लेना खेल खत्म है। कहानी में अब आगे कुछ नहीं बचा करने या सुनने को, इसलिए ऐसे एक ख्याल से बचना क्योंकि एक नेगेटिव थॉट तुम्हारे सपनों को जलाकर खाक कर देगा। यानी हर वो चीज जिसे तुम पाना चाहते हो, जितने भी रिकॉर्ड तुम तोड़ना चाहते हो, कुछ भी नहीं होगा अगर ऐसा हुआ तो। पॉइंट नंबर 3, डोंट लेट योर सेल्फ डाउन। अपने आप को रुकने, झुकने या थकने मत दो। किसी भी कीमत पर अगर थककर सोने या आराम करने का मन करे मत करना। अपने आप को नीचे मत होने देना, खुद को पीछे मत हटने देना। कई बार ऐसा होगा जब मन नहीं करेगा, तकलीफ होगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन सच कहूं तो ये बस वो आखिरी स्टेज है जिसके बाद तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। इसी एक आखिरी पड़ाव में इंसान फंसा का फंसा रह जाता है। और सच कहूं तो यही पर असलियत में एक इंसान की परख होती है कि वो सक्सेस के पीक को डिजर्व करता है या नहीं। इसलिए एट एनी कॉस्ट खुद को नीचे मत होने देना। पॉइंट नंबर 4, चूज स्ट्रगल ओवर कंफर्ट। अगर आराम और काम में किसी एक चीज को चुनना हो तो हमेशा काम को चुनना। आराम बॉडी, माइंड और टैलेंट सबको जंग की तरह खाता है। उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं। जहां एक बार अगर आराम करने की लत लगी, बस मामला वहीं खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। सच कहूं तो ये दारू सिगरेट ये सब तो बस यूं ही बदनाम है। असली नशा तो साला आराम ही है। जिसको आराम करने की गंदी आदत बस एक बार लग गई, वो फिर ऐसा बर्बाद होना शुरू होता है कि उसका अंत निश्चित होता है। इसलिए हद पार करने से पहले संघर्ष की नाव में बैठना पड़ेगा। संघर्ष में भी एक अलग किस्म का मजा है। जब तुम संघर्ष करना शुरू करोगे ना, तब धीरे धीरे हर दिन तुम्हारे अपने खुद के पुराने रिकॉर्ड्स टूटेंगे। इसलिए हमेशा संघर्ष करो। पॉइंट नंबर 5, कन्वर्ट योर पेन इनटू एंगर। अपने दर्द को गुस्से में बदलो। जब दर्द में तुम तड़पने लगो, छटपटाने लगो, तब उसे बयान मत करना, बल्कि उसका एहसास करना और खुद को इस कदर गर्म करना कि तुम्हारा गुस्सा सफलता की सारी औकात पार कर दे। उदाहरण के लिए तुम एक छोटी सी कल्पना करना। तुम जहाँ रहते हो एक छोटी सी जगह, ना ढंग की बिजली की सुविधा है और ना ही ऐसे माहौल में तुम्हें कोई सुख सुविधा मिलती है। इस हालात में बुरा हर किसी को लगता है, गुस्सा भी हर किसी को आता है, लेकिन ये गुस्सा माँ बाप या हालात पर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि इसका बीज बोकर मेहनत करो। जो दर्द तुम आज सह रहे हो उसे गुस्से में बदलो और फिर औकात पार करके अपने लिए सब कुछ बदल दो। जिस इंसान का दर्द बढ़ा है और उसका गुस्सा उससे भी बढ़ा है और उस गुस्से को उसने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चुना है, तो ऐसा इंसान दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, ब्रेक योर ऑन लिमिट्स फर्स्ट। दुनिया को औकात बाद में दिखाना, लेकिन पहले जो खुद की औकात है उसे तो लांघकर दिखाओ। बीते हुए कल के आगे आज तुम खुद क्या चीज हो वो बताकर दिखाओ। देख भाई, बहुत सीधी सी बात है, अगर अपने आपके रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े तो दुनिया के महान रिकॉर्ड्स क्या खाक तोड़ोगे। तुम्हारी जो कैपेसिटी है उसे पार करना सीखो। अभी तुम्हारी औकात अगर 10,000 रुपए महीना कमाने की है, तो पहले इसे बढ़ाकर खुद को उस लायक बनाओ कि तुम्हें 2,00,000 रुपए महीना दिया जाए। उसके बाद सोचना सबसे अमीर इंसान बनने के बारे में। जब खुद के ही रिकॉर्ड्स खुद से ही तोड़े जाते हैं ना, तब जिंदगी एक और मुकाम ऊपर जाती है। इसलिए पहले खुद के लिमिट्स को क्रॉस करो। पॉइंट नंबर 7, प्लांट योर एंगर टू स्काई इन हार्ट। अपने गुस्से को ज्वाला बनाओ और 7वें आसमान पर ले जाओ। यही चीज थोड़ी देर पहले कही थी और अब भी कह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त इसका मतलब अलग था और अब अलग है। अगर अपने गुस्से को तुम आसमान में पहुंचाना जानते हो, तो तुम्हें फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक दे। देखो, गुस्से से सोया हुआ शेर भी जागता है, और तुम्हारी वो ताकतें जो तुम खो चुके हो, उन सब का इस्तेमाल तुम करना जान गए हो। गुस्से का बीज बोना मुश्किल नहीं है, बल्कि उस गुस्से को पालना एक चुनौती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जब भी गुस्सा आए एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। वो गुस्सा अपने आप तुम्हारे दिल में पलने लगेगा और सही समय पर उस गुस्से को निकालो। दोस्तों, मुझे नहीं लगता आज के इस बवाल वीडियो के बाद कोई भी शख्स ऐसा होगा जो अब औकात पार करने से डरेगा। हर चीज मुमकिन है इस दुनिया में, बस सोचने और जिद्दी जुनून की देर है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से जरूर कुछ शाहरुख, कुछ रोनाल्डो और कुछ विराट पैदा होंगे। और अगर इतना हो गया तो मैं समझूंगा मेरे ये वीडियोस बनाने का मकसद एकदम सफल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।